हाय दोस्तों, आज मैं बनाऊंगी फूल गोभी की मसालेदार सब्ज़ी। इसके लिए सबसे पहले हम धनिया लेते हैं, थोड़ा जीरा लेते हैं, एक तेज पत्ता ले लेते हैं, एक प्याज ले लेते हैं, एक थोड़ा तेल लेते हैं। इसमें हम सौंफ और थोड़ा जीरा डालते हैं। इसमें हम फूल गोभी को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। आधा चम्मच इसमें नमक डाल देते हैं। अब हम गैस को ऑफ कर अब देते हम हैं। एक बर्तन में थोड़ा तेल लेते हैं। इसमें हम हरी मिर्च और प्याज को फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। अब इसे मसालों को ऐड कर लेते हैं। हमने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 चम्मच, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर लिया है हमने। अब थोड़ा सा इसमें हम आधा चम्मच आमचूर डाल देते हैं, थोड़ा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच नमक डालते हैं। सबको अच्छे से मसाल को हम अच्छे से भून लेते हैं। इसमें हम थोड़ा सा पानी डालते हैं 4 चम्मच। इसको अच्छे से हम भून लेते हैं। मसाले हमारे अच्छे से एकदम भून गए हैं। इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और मसालों को भूनने देते हैं। मसाले हमारे अच्छे से भून गए। अब इसमें गोभी को ऐड कर लेते हैं। अब हम गोभी को अच्छे से हम मिला लेते हैं। उसको 1 मिनट अच्छे चला के पूरा अच्छे से मसाला डाल देते हैं। अब इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और उसको धीमी आंच पर हम 10 मिनट तक पका लेते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब गोभी की मसालेदार सब्ज़ी बनी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हम धनिया डाल देते हैं। बहुत ही टेस्टी आप भी बनी है। जरूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो पसंद, लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू दोस्तों।